डोंट थिंक सो, राइटर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता. एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशनड दिस ग्रेव थिंग. और उस समय उसने अपनी आँखों को नीचे किया और उस जूते के ऊपर गौर फरमाता है. मुझे इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि मैंने बहुत ही बड़ी चीज़ जो है मेंशन कर दी है. सेंड देम बैक ही सेड. और वो क्या कहता है, उसको वापस लेकर के आ जाओ. सेंड देम बैक आई विल लुक एट देम. उसको वापस ले आओ, मैं उसको लेकर के चला जाऊँगा, मैं उसको देखूँगा. जोम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम वीट. क्या कहता है, कुछ बूट्स इतने गंदे हो तो मैं उसका बिल तुम्हारे लिए माफ़ कर दूंगा. Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots thought in an emergency at some large firm. एक बार मैं खाली दिमाग से बात कर गया उसके शॉप में. ऐसा लग रहा था जैसे कि जो पेयर ऑफ बूट्स है वो मैंने किसी इमरजेंसी में किसी बड़े फर्म से ख़रीदा हो. ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फूड्स. उसने मेरे ऑर्डर को ले लिया बिना किसी लेदर को दिखाए हुए मुझे, और मैं उसकी आंखों से महसूस कर पा रहा था कि जो इन्फीरियर कवरिंग था फूड का उसको वो ध्यान से देख रहा था. एट लास्ट ही सेड डोज आर नॉट माई बूट्स. और अंत में वो कहता क्या है, ये मेरे बूट्स नहीं हैं. द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ स्वैरो नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. ये जो टोन थी जिस आवाज़ से वो बोला था, ना गुस्सा था ना दुख था ना किसी चीज़ का कंटेम्प्ट, मतलब किसी का साहस भी था, लेकिन जो उसने बोला उससे मेरे खून जो है पूरी तरीके से ठंडे पड़ गए, बर्फ़ जम गया मेरे खून का. ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल. उसने अपने उंगली को नीचे रखा और उस प्लेस पर रखा जहाँ पर मेरा बायां वाला पैर था, जो जगह पे मेरा क्वाइट कंफर्टेबल है. इट्स अर्ट्स यू डियर ही सेड. उसने कहा ये तुमको हर्ट करता है. ये बड़े वाले जो फर्म्स हैं, दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. जो बड़े बड़े फर्म्स हैं इनके पास खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन अवे विद हिम. और ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ ने उसको रास्ता दे दिया. ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. इट वॉज ओनली टाइम आई एवर हियर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ स्ट्रेस्ड. और फिर ऐसा लगा जैसे था किसी चीज़ को डिस्कस करते हुए कंडीशंस और हार्डशिप उसके ट्रेड के. दे गेट इट ऑल ही सेड. और क्या कहता है, दे गेट इट ऑल. उसने कहा दे गेट इट बाई एडवर्टीजमेंट. दे गेट इट बाई एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट से इससे इसको सब लोगों को मिला, नॉट बाई वर्क, काम से नहीं. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस. उन्होंने हमारे पास सब कुछ वापस ले लिया है. हुज लव आवर बर्ट. जिनके जो हमारे ब्लर बूट्स को जो लव करते हैं. इट गम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क. और क्या कहता है, और प्रेजेंटली मेरे पास कोई भी काम नहीं है. प्रेजेंटली मेरे पास कोई भी काम नहीं है. एवरी ईयर इट गेट्स लेस यू विल सी. और हर साल ये काम कम होते जाते हैं, तुम देखोगे. एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर. बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल. व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स एट देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड. और ऐसा लग रहा था उसके लाइन फेस पे, जिसको मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, जो काफ़ी कड़वी चीज़ें थी, कड़वा स्ट्रगल था और काफ़ी सारे ग्रे हेयर्स थे, और ऐसा लगता था कि सडनली उसके लाल दाढ़ियों पे आ गए. एज बेस्ट आई कुड, और जितना अच्छा मैं हो सकता था, आई एक्सप्लेन्ड द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ऑमेंट बूट्स. और मैंने उन परिस्थितियों के बारे में समझाया, उन जूतों की परिस्थितियों के बारे में समझाया जो ख़राब थे. बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मेनी पेयर. लेकिन उसका चेहरा और उसकी आवाज़ इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड मुझे कर दी कि अगले कुछ मिनटों में मैंने कई जूतों के पेयर को ऑर्डर कर दिया. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. और ऐसे जूते जो काफ़ी समय तक रहते हैं. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. और मैं लगभग इतना जूता ऑर्डर दे दिया था कि 2 साल तक मैं उसके पास नहीं जा पाया.
दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडिंग अ पीस ऑफ लेदर। इस समय उसका बड़ा भाई वहाँ दुकान पर था और हाथ में एक लेदर का टुकड़ा लिया होता। वेल मिस्टर चेसलर आई सेड हाउ आर यू। अब फिर मैंने कहा बहुत अच्छे मिस्टर चेसलर, मैंने कहा आप कैसे हैं। ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी। वो मेरे नज़दीक आया, मुझे झांक करके देखता। आई एम ब्रेडली वेल। क्या कहता है, मैं तो प्रेटी वेल हूँ, मैं अच्छा हूँ, धीरे से बोला। बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। लेकिन मेरा बड़ा भाई मर चुका है। एंड आई सॉ डैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एजेड एंड वॉन। और मैंने देखा वो वाकई में वही था, लेकिन कितना ज़्यादा उम्र हो गई थी और कितना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। एंड नेवर बिफोर आई हैड हर्ड मेंशन हिज ब्रदर। और मैंने इसके पहले कभी भी उसके बारे में नहीं सुना था कि वो अपने बड़े भाई के बारे में बात करा। मस्ट शॉक्ड आई मर्मर्ड ओ आई एम सॉरी। मैं काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। मैंने भनभनाया और मैं कहता क्या हूँ, अरे मुझे माफ़ कर देना, मैं सॉरी। यस ही आंसर्ड ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट बट ही इज डेड। हाँ श्योर की श्योरिटी में कहता हूँ, वो बहुत ही अच्छा आदमी था और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे जूते बनाए थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं। एंड टच द टॉप ऑफ हिज हेड। उसने उसके सर के ऊपर वाले हिस्से को छुआ। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज ही हैड ऑन डैट हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट। जहाँ पे बाल जो है काफ़ी अलग अलग हो चुके थे, काफ़ी कम हो चुके थे, जो कि अपने बड़े भाई को इंडिकेट करने के लिए था। आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। मैंने उसके मृत्यु की बातों को सोचा, मैंने सपोज किया, माना। Do you want any boots? क्या तुमको कोई जूते चाहिए? And he held up the leather to in his hand. It's a beautiful piece. और उसने उस लेटर को अपने हाथ में लिया और कहा कि ये बहुत ही खूबसूरत सा पीस है। So my dear student, thank you. Till here we have